कुदरत ने दुनिया बनाई, झरनों के संगीत से इस कायनात का दिल बहलाया, झीलें आसमान का आईना बनी, जमीन को मखमल जैसी हरी हरी घास से संवार दिया, खुशबू के लिए फूलों को बनाया, इंद्रधनुष के रंग में फूलों को डुबोकर उन्हें खूबसूरत रंग दिए और दुनिया को दुल्हन की तरह सजा दिया। फिर इंसानियत के सीने में एक बीज बोया दोस्ती का। ये दोस्ती की दास्तान महानता के ही दो किरदार हैं, राज मल्होत्रा और विजय कपूर। अरे अंकल, आप कब आए? क्या कर लेते तुम? मेरे आने की खुशी में झंडियां लगाते या ढोल बजाकर मेरा स्वागत करते? ये क्या है? मेरी मेहनत और मेरे अरमानों का सिला? तुमने सोचा कि वर्दी पहन ली, दो स्टार लगा लिए और जिंदगी बन गई? मगर इसके अलावा तुम सोच भी क्या सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सोच, तुम्हारी ख्वाहिशों और तुम्हारी खुशियों के तमाम रास्ते राज मल्होत्रा बजाकर खत्म हो जाते हैं। अपने दोस्त राज मल्होत्रा के अलावा तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। अरे बेवकूफ,
ये क्यों नहीं सोचते तुम कि दोस्ती और मुस्तकबिल दो अलग अलग चीजें होती हैं? कि तुम्हारी तरक्की हो, तुम्हारे लिए कामयाबी के रास्ते और खुले, मगर नहीं, तुमने तरक्की पर दोस्ती को तरजीह दी और कितनी आसानी से ये खत लिखकर मेरी उम्मीदों के मुंह पर तमाचा मार दिया। वाह बेटे वाह, इतने सालों के करियर में इतना बड़ा मेडल मुझे कभी नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच माय सन। अंकल, अरे अंकल, अंकल मेरी बात तो सुनिए। अंकल, क्या हुआ? अंकल चले गए? हाँ। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं रुके तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो समझते हैं मैं कठपुतली हूँ, वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। वो क्यों नचाना चाहेंगे? उन्होंने आपकी नौकरी दी, तालीम दिलवाई, किस लिए? अपने लिए? मैंने कहा ना, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, बस। यूं कहिए कि आप राजप्रिया से दूर नहीं जाना चाहते। ठीक है, जो समझना चाहो समझ लो, मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, दोस्ती नहीं। मैं जानती हूँ राजप्रिया भी आपके बगैर नहीं रह सकते, पर आप तो राजप्रिया को अच्छी तरह जानते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपकी तरक्की और कामयाबी के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपको उनकी खुशी अजीज है तो आप वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। मुझे माफ कर देना राज। अपनी छाती पर भारी बोझ लिए विजय कपूर ने वो शहर ही छोड़ दिया और वो सफर पर रवाना हुआ जो उसके बुजुर्गों का ख्वाब था। वो तो बस भटकता रहा एक शहर से दूसरे शहर। राज मल्होत्रा ने भी वो जगह छोड़ दी और चला आया बॉम्बे। इस जगह जिसे लोग सेठ केदारनाथ की नगरी कहते हैं, केदार शिपिंग कॉरपोरेशन की शान और शौकत का एक हिस्सा। केदारनाथ आज भी वाकई एक राजा है और ये सब उसकी प्रजा। राज मल्होत्रा ने यहां मैनेजर की नौकरी कर ली। उसका सेठ बहुत बड़ा धनवान है, लोग उसे समंदर का बेताज बादशाह कहते हैं। उसकी नगरी का हर वासी एक ही बात करता है, अपने राजा के गुण गाता है। हमको नौकर से सुपरवाइजर बनाया, हमारी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसको नौकरी देने का वादा भी किया। खैर, हमारे लिए तो फादर मदर सेठ केदारनाथ, मालिक सेठ केदारनाथ और हमारा गॉड भी सेठ केदारनाथ। केदारनाथ, 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 ये नाम सुनते सुनते मेरे कान पक गए। सच्ची तो है शांति, केदारनाथ आश्रम में चंदा देते हैं, बेवा औरतों की मदद करते हैं, गरीब लड़कियों की शादियां करवाते हैं। सबसे बड़ा सबूत तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। केदार शिपिंग कॉरपोरेशन में काम करने से पहले मैं क्या था? इस घर में जो कुछ भी आज है सब उन्हीं की बदौलत है। अच्छा बाबा, मान लिया, आपके बॉस एक अच्छे इंसान है, बस। What? Yes, sir. केदारनाथ ही शतरंज का असली मोहरा है सर। और माल? उजागर माल लेने आ गया है सर। माल का है? माल गाड़ी में लोड हो रहा है सर। एक्सीलेंट केलकर, एक्सीलेंट। कार का कोई आइडेंटिफिकेशन? Follow him!
नाथ के पुत्रे सामने आ। सरकारी वर्दी तो पहन ली तुमने, लेकिन तमीज और तहजीब की डिग्री लेना भूल गए इंस्पेक्टर। माथे पर चंदन का तिलक तो लगा लिया तुमने, मगर अपने चेहरे से काले धंधे की कालिक पूछना भूल गए केदार। अंधेरे में तीर मत चलाओ इंस्पेक्टर, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी हैं और गवाह भी। उजागर ने सब कुछ उगल दिया है। इंस्पेक्टर हमारी बात जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ये फिश टैंक देख रहे हो तुम, इसमें जो मछलियां हैं ये सब समुंदर की मछलियां हैं, लेकिन इस छोटे से फिश टैंक में हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही हैं। ये इनकी मजबूरी नहीं बल्कि इनके सोचने समझने का तरीका है। ये इस छोटे से टैंक को ही समुंदर समझ रही हैं। तुम शायद हमारी बात नहीं समझे। देखो, एक छोटी सी जीत कामयाबी की आखिरी सीढ़ी नहीं बन जाती। तुम एक किनारे पर खड़े होकर दूसरा किनारा देख रहे हो, लेकिन ये भूल रहे हो कि समुंदर और कामयाबी का कोई किनारा नहीं होता। लेकिन ये तुम्हारी खुशकिस्मती भी है कि दरवाजे खोल दिए हैं अब तुम्हारे लिए लक्ष्मी देवी ने। केदारनाथ, ना तो मैं लक्ष्मी का पुजारी हूं, ना तुम कोई लक्ष्मण। तुम तो वो रावण हो जिसकी लंका में आग लगाने के लिए इंस्पेक्टर शेर खान आया है। तुमने हमारे साथ आंख मिलाकर अपनी गर्दन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है रंगरूट। तुमने इस रंगरूट की वर्दी का रंग गौर से नहीं देखा, खाकी रंग है ये, और जो लोग खाक को ओढ़ना और बिछोना बना लेते हैं वो या तो खुद मिट जाते हैं या दूसरों को मिटा देते हैं। वैसे केदार, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी भी गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह चुनौती देने आया हूं कि कल जब मैं तुम्हें अदालत में घसीट कर ले जाऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि केदार तुम कितने लाचार और बेबस हो। अरे हाँ, ये स्टॉप वॉच अपने पास रखो केदार, ताकि हर गुजरता हुआ पल तुम्हें इस बात का एहसास दिलाता रहे कि तुम्हारे पास कितना कम वक्त है। बाय। बेवकूफ आदमी, घड़ी हमारे पास छोड़ गया कम वक्त, साथ ले जाता तो कम से कम अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां तो गिनता रहता। पीटर। यस सर। क्या नाम बताया था तुमने उसका? नानू भाई छाते वाला। नानू भाई छाते वाला। क्या बात है सेठ, सुबह सवेरे गेटवे ऑफ इंडिया पर बोट की सैर करने बुलाया है क्या? हमारे असूल कुछ ज्यादा ही अलग है नानू भाई। हम सड़क के चौराहे पर खड़े होकर बिजनेस नहीं करते, आराम से आमने सामने बैठकर करते हैं। अभी पता चला सेठ कि आपको लोग समंदर का बेताज बादशाह क्यों बोलते हैं। चलो धंधे की बात करो सेठ।
आदमी समझदार हो। समझदार ना होता तो सुपारी का धंधा थोड़े ही करता सेठ। सुपारी? और ये सुपारी वो सुपारी नहीं है जो पान के साथ खाई जाती है। अपनी सुपारी तो किसी की जिंदगी की बैटरी डाउन करने का एडवांस होता है। क्या गारंटी है कि काम हो जाएगा? खून के बाजार में नानू के नाम की गारंटी है सेठ। शेर का शिकार करोगे? शेर का? कानून के जंगल का शेर, एक पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर गधा है या बेवकूफ है? लोमड़ी की तरह चालाक। हड्डी हजम नहीं हुई है क्या? अभी तक डाली नहीं है? हड्डी नहीं सूंघता, हड्डी डालने वालों के हाथ काट लेता है। कितने फुल का इंस्पेक्टर है? 3 स्टार हैं उसके। एक फुल का नानू 1 लाख लेता है, 3 का 3 लाख। ठीक है, ये रहा एडवांस। नानू भाई, ये वो सुपारी नहीं जो पान के साथ खाई जाती है, ये सुपारी केदार का दिया हुआ एडवांस है, जिसको गलत चबाने से दांत टूट भी सकते हैं। इंस्पेक्टर का इलाका? डोंगरी। नाम? असलम शेर खान। केदारनाथ के सामने वो, शायद उसे किसी ने बताया नहीं कि केदारनाथ के सामने तो उसके अपने कुत्ते भी भौंकने से पहले 100 बार सोचते हैं। नहीं सोचा ना, इसीलिए उसको रास्ते से हटा दिया, कम वक्त की फाइल ही बंद करवा दी। कहो तो फाइल खुलवा दूं दुबे। आओ नानू भाई, आओ बैठो। वाह 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 वाह, तुम भी अजीब कारीगर आदमी हो यार। कभी छाता खोल देते हो, कभी खाता खोल देते हो, कभी हाँ खोल देते हो, और अभी दरवाजा खोला आवाज तक नहीं आई। आवाज आती तो पंछी उड़ नहीं जाता। क्यों सेठ जी, मेरा किस्त तैयार है? अरे हाँ पीटर, और कोई सुपारी वाला पान खाना हो तो बताना सेठ जी। जरूर चलता हूं। नानू तुमने रुपए नहीं गिने, अगर कम हुए तो देने वाले की बदकिस्मती। जितने नोट कम देगा नानू उसकी जिंदगी से उतने दिन कम कर देगा। चलता हूं सेठ जी। नानू आइंदा अंदर आने से पहले दरवाजे पर दस्तक जरूर देना। कसूर इस सुपारी बाज का नहीं है सेठ जी, दरअसल इसने वो कहावत नहीं सुनी कि कौवा अगर मीनार पे बैठ जाए तो बाज नहीं बन जाता। उई, अरे रे रे रे, जिस काम के लिए आया था वो काम तो मैं भूल गया सेठ जी। कौन सा काम? ये खान के किस्से ने तो सब गड़बड़ कर दिया। कैसी गड़बड़? अपने कमिश्नर का ट्रांसफर हो रहा और उसकी जगह नया कमिश्नर आ रहा है, और अगर वो आ गया मेरी वर्दी तो उतरेगी से उतरेगी, लेकिन बड़े बड़ों की कुर्सियां हिल जाएंगी। क्या नाम है उसका? कमिश्नर विजय कपूर।
आई जी साहब, अभी भी इंफॉर्मेशन मिली कि आज की रेस प्रैक्टिस में कमिश्नर विजय कपूर साहब को गोली मार दी जाएगी। What? Yes, sir. Immediately go and contact Kapoor and stop that race. सर, रेस तो शुरू हो गई। रेस शुरू हो गई, then stop the bloody killer. लेने आई हूँ उसको तो मैंने देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा तो होगा कि वो कैसा लगता होगा। कुछ कुछ वैसा दिखता होगा उसके जैसा। ओह, तो आपको ये घड़ी अच्छी लगेगी। हाँ, कौन सी? ये वाली।
साड़ी मेरी भाभी माँ के लिए। अरे साड़ी बहुत महंगी लगती है, क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी लाने की? भाभी जिंदगी में पहली बार मैंने आपके लिए कुछ लाया, लगता है आपको ये साड़ी पसंद नहीं आई। पसंद? इसे तो मैं संभाल के रखूंगी और किसी खास मौके पर पहनूंगी। जीने के लिए कुछ तो करना था दोस्त, तकदीर ने साथ नहीं दिया वरना मैं सबकी छुट्टी कर देता। हाँ यार वाकई तकदीर ने साथ नहीं दिया, शक्ल एक एक्टर की थी और आवाज 10 की। लेकिन देख लेना मुन्ना, मेरी यही कला एक दिन रंग लाएगी। खैर मुझे मेरी दुकान चलाने दे, जब तक तू ये बुलबुल की फोटो देख। अरे यार ये बुलबुल उस बुलबुल के सामने कुछ भी नहीं है जिसे मैं देख के आया हूं।
जैनी बेटी हमारा बेटा ये क्या बेटी, ना आने का कोई तार ना लेटर कुछ भी हमको खबर नहीं दिया। जाऊं तुमसे बात नहीं करेगा, बहुत नाराज है। ओ पापा, मैंने सोचा था बिना बताए आपको सरप्राइज दूंगी और आप हैं कि नाराज हो गए। कोई बात नहीं, आपकी नाराजगी मैं अभी दूर की देती हूँ। बेटी अरे वाह, इतना अच्छा घड़ी हमारे लिए। पापा ये आपके लिए नहीं है। तो फिर ये आपके उस बेटे के लिए है जिसने हमेशा दुख सुख में आपका साथ दिया है, और जो आपका ख्याल रखेगा उसका ख्याल हम नहीं रखेंगे। बेटे तुझे याद है वो लड़का अभी तक? पापा माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को परियों की कहानी सुनाकर सुलाते हैं, और आपने जब भी मुझे कोई कहानी या बात सुनाई है तो हमेशा संजू की सुनाई है, फिर मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ भला, है ना? लेकिन आप किस सोच में पड़ गए? मैं ये सोच रहा था बेटे कि मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पापा ये घड़ी उसे दे देना। खुद ही जाके दे दे। लेकिन हाँ, तू पहचान लेगी उसको? कोशिश करूंगी। आप में से संजू कौन है? संजू? संजू बेटा, बहुत खुश नजर आ रहे हो। यस डैड, योर सन महेश नाथ इज इन अ टेरिफिक मूड टुडे। मैं वाकई बहुत खुश हूं। आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। ऐसी कौन सी लॉटरी निकल आई है हमारे बेटे की? लॉटरी नहीं डैड, लड़की मिल गई है। लड़की? अरे भाई, दुनिया भर की लड़कियां तुम्हें दिखा दी बेटे, इस लड़की में कौन सी खास बात है? खास बात? ओ डैड, वो लड़की तो बेमिसाल है। एक ऐसा फूल है जिसकी सिर्फ खुशबू सूंघते ही आदमी पागल हो जाए। की राह देख रहा था। मेरी राह? ये घड़ी बहुत अच्छी है, सबको बहुत पसंद है। मेरी पसंद? आपकी पसंद? मेरा मतलब है आपकी पसंद।
और फिर मुझे याद आया कि आपने इतना खूबसूरत तोहफा दिया है, पर मैंने आपका शुक्रिया अदा भी नहीं किया। अच्छा, तो आप सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करने आए हैं। आपको घर छोड़ दूं, मैं भी उसी तरफ से जा रहा हूं। लेकिन मैं तो चर्च जा रही हूं। तो मैं चर्च छोड़ देता हूं? लेकिन आप तो घर जा रहे थे। मैं आपको चर्च छोड़ के घर चला जाऊंगा। चलिए। हाय संजय। ये लोग आपके दोस्त हैं? हाँ, एक दोस्त भी है, एक जानने वाला भी है। पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे। क्या सोच रहे होंगे? सोच रहे होंगे कि पता नहीं किस लड़की के साथ घूम रहा है। घूम रहा हूँ? मैं तो चर्च जा रहा हूँ। अब हमारे माथे पे तो नहीं लिखा कि हम चर्च जा रहे हैं। सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है। अरे कह दूंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। दोस्ती तो लड़के लड़के में होती है। लड़का लड़की की दोस्ती को लोग कोई और नाम देते हैं। आपकी कोई दोस्त है जिसे आप चाहते हैं या प्यार करते हैं? नहीं, ऐसा मौका कभी नहीं मिला। मैं नहीं मानती। कहीं ना कहीं कोई तो होगा जिसे याद करके या जिसे देख के आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक बार हुआ था। कहाँ? एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मैं साड़ी खरीदने गया था। उसके लिए? नहीं, अपनी भाभी के लिए। और अचानक वो मुझे वहां दिख गई। फिर दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैं उसे देखता रहा, सिर्फ देखता रहा। आपने उसका नाम नहीं पूछा? नाम पूछने से पहले ही वो डिपार्टमेंटल स्टोर की भीड़ में गायब हो गया। अगर इत्तेफाक से वो लड़की तुम्हें कहीं मिल गई तो फिर मैं उसका नाम जरूर पूछूंगा। दीजिए, आपका चर्च आ गया। कल आपके सूट में से संजय मल्होत्रा का एड्रेस मिला मुझे। क्या ये जरूरी कागज है? अरे हाँ, ये उस लड़के का एड्रेस है जिसने बेंगलोर में मेरी जान बचाई थी। और मुझे अफसोस है कि मैं शुक्रिया अदा भी नहीं कर सका, क्योंकि वो ट्रेनिंग पूरी करके वहां से जा चुका था। पर ये एड्रेस तो बॉम्बे का है। ये भी इत्तेफाक है कि वो भी इसी शहर में रहता है। आज मैं पहली फुर्सत में संजय मल्होत्रा से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करूंगा। Tin 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 t
मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? मैं ये सोच रही थी कहीं वो लड़की अगर आपको मिल गई तो आप उसे फिर से खो देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप उसे उसका नाम भी पूछेंगे। इस बार जरूर पूछूंगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी उसे पहचानने में। ठीक है। अच्छा, दिखती कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह। और उसकी आंखें? एक गहरी झील की तरह, बिल्कुल आप जैसी। उसका रंग? गोरा, आप जैसा। और बालों का रंग? कुछ कुछ नहीं, बिल्कुल आप जैसा। और उसकी हंसी? कुछ कुछ नहीं, बिल्कुल आप जैसी। इतना कुछ मेरे जैसा? फिर तो उसे ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फर्ज कर लो कि वो लड़की नहीं हो थोड़ी देर के लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? सबसे पहले पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। इस बार जरूर पूछूंगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी उसे पहचानने में। अच्छा, दिखती कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल आपकी तरह। और उसकी आंखें? एक गहरी झील की तरह, बिल्कुल आप जैसी। और उसकी हंसी? कुछ कुछ बिल्कुल आप जैसी। इतना कुछ मेरे जैसा? फिर तो उसे ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फर्ज कर लो कि वो लड़की नहीं थोड़ी देर के लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? सबसे पहले पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है संजू, मैं भी तुमसे बुलवा कर रहूंगी कि जेनी, आई लव यू। उस दिन आपको कहीं चोट तो नहीं आई थी? नहीं, लेकिन आपको आज याद आया? मैं तो जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन से इस रास्ते के चक्कर काट रहा हूँ। ये तो गया काम से। जेनी, यही मौका है एक तीर से दो शिकार करने का। आग पर घी डालो। आप मेरा एक काम करेंगे? अरे आप हुक्म कीजिए, मैं तो जान भी दे दूं। नहीं नहीं, फिलहाल तो लिफ्ट दे दीजिए। ओके, अच्छा चलिए। संजू, बस तू यहाँ बैठा, अब हाथ मलता रह जाएगा। क्या है बे? वो देख, महेश नाथ जेनी के घर से जा रहा है। जेनी, जेनी! क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? महेश नाथ यहाँ क्यों आया था? बड़े भोले हो संजू, इतना भी नहीं जानते कि एक खूबसूरत लड़की के घर एक जवान करोड़पति लड़का क्यों आता है? वो मेरे घर मेरा हाथ मांगने आया था। क्या? ठीक इसी तरह मैं भी हक्की बक्की रह गई थी और मेरी जुबान से हाँ निकला। और तूने हाँ कर दी? ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। करोड़पति, इकलौती औलाद, शानदार बंगला, बड़ी बड़ी मोटर कारें, ढेर सारे रुपए। अरे संजू, मेरी जिंदगी की शुरुआत लंदन, रोम, पेरिस से होगी और हनीमून स्विट्जरलैंड में। सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो? नहीं,
तो फिर अपने प्यार के सारे रंग मेरी तस्वीर में क्यों भर दिया तुमने? अनजाने में अगर कुछ रंग बिखर कर तुम्हारी परछाई बन गए तो इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं जेनी, खा मेरी कसम और कह दे कि ये तस्वीर तूने अपने दिल से नहीं बनाई। कह दे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं झूठ कैसे बोलूं? से प्यार करती हो संजू से करते हैं, हैं? अभी तेरी वो हालत करूंगा।
पूरा मोहल्ला देखेगा। बेटा क्या हुआ बेटे? ये सारा लफड़ा पिंटू की बेटी जेनी की वजह से हुआ है। अपने महेश बाबा को क्या खबर कि जेनी का लफड़ा राज के भाई संजू के साथ चल रहा है। बस आओ देखा ना ताओ, उस गुंडे ने महेश को मारना शुरू कर दिया। तुम्हारे ही घर में तुमसे ये कहने आया हूं कि मेरे बेटे के रास्ते से हट जाओ, वरना घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करके निकाला जा सकता है। ये पेन देख रहे हो, इसमें दो रंग की स्याही है, काली और लाल। जब मैं लाल स्याही से दस्तखत करता हूं तो सिर्फ तबाही और बर्बादी होती है। जेनी, तुम लाल स्याही से बर्बाद करते हो और मैं आबाद करता हूं केदार सेठ। हाँ
समंदर का बेताज बादशाह, केदार शिपिंग कंपनी का मालिक, इतना बेबस, इतना मजबूर, इतना लाचार। केदारनाथ, तुम तो सारी जिंदगी अपने कलम से दूसरों की तकदीर लिखते और मिटाते रहे, और आज जब अपने बेटे के नसीब की बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हमने ये फैसला किया है कि हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। क्या सोच रहे हो? सर, लेकिन वो जैनी। जैनी से अगर पूछोगे तो वो यकीनन ना कर देगी, और हमें ना सुनने की आदत नहीं है। ये अलग बात है कि अगर वो अपनी मर्जी से आएगी तो हम अपने बेटे की शादी के सदके में संजय और उसके खानदान की जिंदगियों को बख्श दें। सेठ, केदारनाथ होगा तो आपके लिए। उसकी कंपनी में काम करने का मतलब ये तो नहीं कि आपकी औलाद भी उसकी गुलामी करे। बात गुलामी का नहीं, बात बेटी का है। उसने संजय को जान से मारने का धमकी दिया है, और अब अगर मेरे संजू को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मौत का बात करता है? अगर सिर्फ तुम्हारी मौत इन परेशानियों का इलाज होती ना, तुम खुद अपने हाथ से तुम्हारा गला घोट कर खुद भी मर जाता। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेठ केदारनाथ ने तुमको अपना बहू बनाने का वास्ते उन सब का जिंदगी दांव पे लगा दिया है। और मेरी जिंदगी का क्या होगा पापा? महेश के साथ शादी करके मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अगर केदारनाथ बाप बनकर अपने बेटे की खुशियां खरीद सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो बाप हैं। पापा, मुझे ले चलिए उसके पास, मैं उसके पैर पकड़कर सबकी जिंदगी की भीख मांगूंगी। नहीं जैनी, नहीं। उस आदमी के सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। वो सिर्फ कहना जानता है, सुनना नहीं। तू अपना कलेजा भी निकाल के उसके पैरों में डाल देगी तो भी वो उसे रौंद के चला जाएगा। वो राक्षस मेरी बात नहीं मानेगा बेटे। उसने फैसला कर लिया, उसका फैसला कोई नहीं बदल सकता। और आपका फैसला क्या है? तेरे पापा ने कोई फैसला नहीं किया, फैसला तो तुझे करना है। संजू को जिंदगी दे दे या मौत। पापा, तेरे पापा ने कोई फैसला नहीं किया, फैसला तो तुझे करना है। संजू को जिंदगी दे दे या मौत। संजू को जिंदगी दे दे या मौत। क्या जेनी की शादी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी का सवाल ही नहीं पैदा होता है शांति। हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही पिंटो है, एडविन पिंटो, और उसकी सिर्फ एक ही लड़की है जिसका नाम है जेनी। लेकिन जेनी तो अपने संजू से प्यार करती है। करती होगी, लेकिन शादी शांति उसकी केदारनाथ के बेटे से हो रही है। आखिर तेरे दिल की बात इस कार्ड पर आ ही गई ना। स्विट्जरलैंड में हनीमून बनाने का ख्वाब पूरा करने का फैसला तो तुमने कर ही लिया है ना। वो खुशनसीब होते हैं जिनके ख्वाब जीते जी पूरे हो जाते हैं, और वो जलील होते हैं जो एक का हाथ छोड़कर दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तुमने कभी ये भी सोचा कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या समझते थे कि मैं तुम्हारी ख्याली दुनिया में रूखी सुखी खाकर दिन रात तुम्हारी गुण गाऊंगी? मैंने सपनों के अंधेरों से निकलकर पहली बार आसमान देखा, और उस आसमान पर मैंने अपना आने वाला कल देखा है। उस आसमान पर तुमने अपने महेश नाथ को देखा है, अपने होने वाले नाथ को देखा है? हाँ हाँ, देखा है मैंने अपने होने वाले नाथ को देखा है। जी चाहता है मैं तुझे इतनी बड़ी सजा दूं कि दुनिया की किसी लड़की में इतनी हिम्मत ना हो कि वो प्यार में कभी धोखा करे, लेकिन नहीं, मैं तुझे छोड़ता हूं ये सोच के कि तू वो साया थी जो मेरे साथ कुछ दूर तक चली और दौलत की धूप पड़ते ही गायब हो गई। बहुत हो गया पिंटो, और कितना पिएगा? पीने दे माइकल, पीने दे, तब तक पीने दे जब तक सेठ केदारनाथ के दिए हुए टुकड़े खत्म नहीं हो जाते।
तू बोला रे ऐसा अपना अंकल के वास्ते पिंटू अंकल के वास्ते। अच्छा किया तूने बेटा, बहुत अच्छा। खबरदार जो तुमने अपने मुंह से मुझे कभी बेटा कहा। क्या करेगा तू, मारेगा मेरे को? ले मार मेरे को मार। नहीं पिंटो नहीं, ना तुम जैसे बेगरत बाप मर सकते हैं और ना ही उनकी बेगरत औलाद। अरे प्यार तो क्या, रुपयों के लिए वो अपनी इज्जत तक बेच सकते हैं पिंटो। संजू, तूने उस जैनी के लिए ऐसा कहा जिसने तेरे और तेरे खानदान की इज्जत बचाने के लिए खुद को सूली पे चढ़ा लिया। जैनी ने केदारनाथ की दौलत के खातिर अपने प्यार का सौदा नहीं किया, पिंटो ने अपनी बेटी नहीं बेची। संजू, तेरी जिंदगी खरीदी है तेरी जिंदगी। केदारनाथ को जैनी जैसी मामूली बहू नहीं चाहिए, उसे हमारी इज्जत चाहिए, पिंटो की इज्जत, तेरी इज्जत चाहिए उसे। तू क्या समझता है जैनी उस घर में जाके जिंदा रहेगी? मेरी बेटी मर जाएगी, मर जाएगी, लेकिन तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी संजू, तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। हाँ भाई, कोई कमी ना रहे, हमारे मेहमान तो 7:30-8 तक आ जाएंगे और बारात आने तक सारा काम पूरा हो जाए। ओके। बिना इजाजत तुम अंदर कैसे आ गए? न्योता देने के लिए, न्योता लेने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है केदार सेठ। सुना है तुमने तुम्हारे बेटे के लिए 1001 कार्ड छापे, और मैंने सिर्फ एक ही कार्ड छापा है और इस कार्ड पर नाम लिखा है तुम्हारा। तुम्हारे कार्ड पर लिखा है जेनी वेड्स महेश नाथ, और मेरे कार्ड पर लिखा है जेनी वेड्स संजय मल्होत्रा। अजीब इत्तेफाक है, वक्त और जगह भी एक है और मंडप भी। आइएगा जरूर। आने जाने की बात तो बात की बात है संजय साहब, पहले तो हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। जिंदगी में पहली बार किसी ने सेठ केदारनाथ के ऑफिस में बिना इजाजत घुसकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत की है। और रही बात शादी की, देखते हैं वो मंडप किसके लिए मंडप बनता है और किसके लिए शमशान। केदार सेठ, लकड़ियां चंदन की मंगवा कर रखना। चलो मुझे दे ये पहनो, ये हार तो निकाल, आहिस्ता से धीरे से चूड़ियां पहना। एक रोज तुमने कहा से प्यार करती हो। पापा, वो बेटे अपने को नहीं मालूम तेरी तकदीर में क्या लिखा है, लेकिन इतना यकीन के साथ बोलता हूं कि जब वो मौत के दरवाजे पे दस्तक देने आ ही गया है तो तेरे इस लाल जोड़े को कफन में नहीं बदलने देगा। जा बेटे जा। एक तरफ अकेली मोहब्बत है, एक
जाने क्या हो जाना है, आज जाने क्या हो जाना है। मेरे बेटे की शादी हो रही है और ये लफंगा हंगामा मचा रहा है। जानता
हेलो, कौन बोल रहा है? मैं केदारनाथ बोल रहा हूँ। वाकई बहुत खराब दिन है तुम्हारा केदार सेठ। सारे कनेक्शन तुमसे ही मिलते हैं। नंबर एयरपोर्ट का लगाया था हनीमून की ट्रिप की बुकिंग के लिए और लग गया तुम्हारा नंबर। रामजादे, चिल्ला मत केदार सेठ, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा है। तुम अपनी हार पर शर्मिंदा हो और ये सोच रहे हो कि तुम जैसा नामर्द इस शहर में और कोई नहीं हो सकता। यू बास्टर्ड, तुमने मुझे नामर्द कहा? अरे मैं क्या, सारा शहर तुम्हें छक्का कह रहा है। बकवास बंद करो। चुप छक्के। नानू, नानू, कहां मर गए तुम? चिल्लाओ मत सेठ, मैं यहां हूं। जानते हो संजू ने मुझे छक्का कहा? इतनी हिम्मत उस हरामजादे की कि उसने सेठ केदारनाथ को छक्का कहा? हाँ तो जवाब में तुमने भी ताली बजा दिया होता ना। नानू, अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है सेठ? छक्के के बदले अगर नामर्द बोलता तो भी तुम उसका क्या उखाड़ लेते? यह हलवापुरी की थाली आपने अपने बेटे के लिए परोसी और खा गया कोई और। एक काम करो सेठ, अपने दोनों हाथों से अपनी पतलून को पकड़ कर रखो। क्या मतलब? मतलब ये सेठ, उस लौंडे ने आपकी इज्जत की पतलून का पहला बटन तो तोड़ दिया और ये बटन तोड़कर उससे साबित कर दिया है कि वो वाकई किसी मर्द का बच्चा है। मैं तो कहता हूँ सारी गलती तुम्हारी है। दुनिया भर को आपने अपनी बेटी के शादी के कार्ड बांटे, एक कार्ड नानू भाई छाते वाले के दरवाजे पे डाल दिया होता तो आज तुम्हारी नाक की जगह संजू की गर्दन कट जाती। गर्दन अब काट दो नानू, काट दो उसकी अकड़ से तनी हुई गर्दन। हेलो, हेलो, तुम टुंगो, हेलो हेलो, कितनी खूबसूरत हो तुम, मैंने पहले इतने गौर से तुम्हें क्यों नहीं देखा? झगड़ों से फुर्सत मिली होती तो देखते ना। अरे विजय, अरे इतनी रात गए भैया, ये भी कोई आने का वक्त है क्या? बात संजू का है। अरे भाई आज उसकी सुहाग रात है और सुहाग रात को आदमी अपनी पत्नी के साथ ही होता है ना। जेनी, जी चाहता है कि हमारी सुहाग रात इतनी लंबी रात हो, कभी खत्म ना हो, हम एक दूसरे में समा जाएं। मैं संजू को गिरफ्तार करने आया हूं। मगर किस जुर्म में? जबरदस्ती शादी और किडनैपिंग के जुर्म में। शादी में तो तुम भी शरीक थे विजय, उस वक्त संजू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उस वक्त संजू के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन अब रिपोर्ट है। भाई साहब, आप तो खुद कानून हैं। आज की रात, सिर्फ आज की रात आप संजू को मत ले जाइए। सुहाग की सेज बार बार नहीं सजाई जाती है भाई साहब। मैं वादा करती हूँ, कल सुबह होते ही मैं खुद संजू को आपके पास ले आऊंगी। संजू है कहाँ? मैं यहाँ हूँ विजय भैया। क्या बात है विजय भैया? तुम्हारे विजय भैया तुमको शादी का तोहफा देने आए हैं, तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तुम्हारा जुर्म यह है संजू कि तुमने अपनी ही दुल्हन को खुद किडनैप किया है। किसी लड़की को सात फेरों के साथ अपनी पत्नी बनाना जुर्म है? मैं बकवास नहीं सुनना चाहता। चलो। नहीं विजय भैया, प्लीज। नहीं भाभी, इस वक्त ये तुम्हारे विजय भैया नहीं है, एक पुलिस अफसर है, गैर है। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता भाभी कि तुम किसी गैर के सामने अपना सर झुकाओ। चलो कमिश्नर विजय कपूर, इंस्पेक्टर
तुम? हाँ। तुम यहाँ क्यों आए? अरे खुद ही तो बोला करता था कि नानू भाई आओ बैठेंगे, गपशप मारेंगे, चाय भाई पियेंगे। हाँ बुलाया था, घर पे बुलाया था, यहाँ पर सरकार के पुलिस स्टेशन में नहीं। अरे तू इंस्पेक्टर होकर इतना घबरा रहा है? ऐसा लगता है जैसे मैं इंस्पेक्टर हूँ और तू चोर है। चोर तो दोनों ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक वर्दी वाला चोर है और दूसरा सुपारी वाला। इससे पहले कि मेरी, अरे आप मेहरबानी करके चले जाइए ना। ठीक है लंबू किधर है? क्यों वो लुड़काने का है? अगर यहाँ लुड़का दिया ना लंबू को तो कल सड़क पर लोटा हाथ में लेकर भीख मांगता हुआ नजर आऊंगा मैं, वो भी राम के नाम। यार बाहर तो बहुत जन को उड़ाया है मैंने, किसी को पुलिस स्टेशन में नहीं उड़ाया। लुड़काने देना यार, अपना भी नाम हो जाएगा ना। हाँ तेरा छाता तो खुल जाएगा लेकिन मेरा खाता इधर परमानेंटली बंद हो जाएगा। ठीक है यार, अपन भी यारों का यार है, साले को बाहर ही लुड़का दूंगा मैं। चलो चलता हूँ। हाँ जा 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 रे जा, मैं आऊंगा फिर कभी तेरी खोली पे। हाँ बैठ के चाय भाई पियेंगे। हाँ खोली से पहले मुझे सूली पे चढ़ाने वाला था। कौन? मैं? हाँ तुम। इस कदर गिर जाओगे तो मैं सोच भी नहीं सकता था। जिस दोस्त की दोस्ती को मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत समझता था, आज उसी दोस्त ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया है। राज मेरे जीते जीते रहा ये हाल है। अगर मैं मर गया होता विजय तो शायद तू जैनी और शांति को घसीटता हुआ हथकड़िया पहनाकर हवाला तक ले जाता। राज, 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 राज। तेरी जगह कोई और होता तो जान से मार देता उसे। सच्चाई जानने से पहले इतनी बड़ी तोहमत लगाई मुझ पर अपनी दोस्ती के नाम पर। सच्चाई जानना चाहता है तो सुन। संजू को सुहाग की सेज से उठाकर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मैंने जिंदगी दी है उसे। जैनी की डोली उठाते हुए तुम पीछे देखना भूल गए कि जाते जाते तुमने केदारनाथ जैसे जहरीले नाग की दुम पर अपना पांव रख दिया है। बड़ी मुश्किल से आपको तलाश करते हुए यहाँ आई हूँ सेठ जी। मुझे अफसोस है कि मैं आज तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए सेठ जी, शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन पत्थर दिल नहीं हो सकता। आज मैं संजू की भाभी नहीं, एक माँ बनकर उम्मीद की खाली झोली लेकर आपके पास आई हूँ। एक मजबूर औरत अपना आंचल फैलाकर आपसे अपने बच्चों की खुशी की भीख मांग रही है। इतनी बातों में तुमने एक बात सही कही है शांति, कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं लेकिन मैं बिजनेस दिल से नहीं दिमाग से करता हूं। इसीलिए मैंने कोई भी सौदा आज तक घाटे में नहीं किया। मैं कमिश्नर को फोन करके तुम्हारे संजू को छुड़वा भी सकता हूं लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सौदा? आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी। केदारनाथ, वाकई तुम इंसान नहीं जानवर हो, एक नाग से भी ज्यादा जहरीले हो तुम। नाग को जब भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को भी खा जाता है, और अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो तुम्हारे संजू को कैसे पता चलेगा कि मैं नामर्द नहीं मर्द हूं। यार बहुत श्याना बनता है तू और तेरा वो कमिश्नर दोस्त। भाई को पुलिस चौकी भिजवा कर क्या सोचा था? पुलिस दामाद बनाकर जिंदगी भर रखवाली करती रहेगी, बच जाएगा नानू भाई के हाथों से। क्या सोचा था तुम लोगों ने? तुम्हारे पास ही खोपड़ी है, तुम्हारे पास खोपड़ी है तो अपने पास भी भेजा है, और अपन ने इस भेजे से बहुत लोगों को ऊपर भेजा है। नहीं समझा? तेरा भाई चौकी से बाहर नहीं आएगा तो चीता को आग कौन लगाएगा? Thank you.
देख तुझे टपका ना तो आई, फिर ये मेहनत, ये भागना दौड़ना उठना पटकना बेकार है ना, टपका डालो रे। ये हमारा दरवाजा है शांति, यह खुलता भी हमारी मर्जी से है और बंद भी हमारी मर्जी से होता है। नहीं ऐसा मत कहिए केदारनाथ जी, मैं एक ब्याहता औरत हूँ। फिक्र मत करो, जीते जी तुम्हारे पति को इस बात की खबर तक नहीं होगी। सबक केदार सेठ, जुर्म की रेत पे चलने वाले कभी कदमों के निशान नहीं छोड़ते। चले टबैक। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये कमिश्नर साहब ने तुम्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया था? किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की होगी। हैरत की बात है, कल से मैं ड्यूटी पर हूँ, शिकायत का रजिस्टर मेरे सामने पड़ा है, तुम्हारे खिलाफ तो किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मतलब? मतलब साफ है भाई, तुम्हें अंदर कर दिया और बाहर तुम्हारे भाभी और भैया का मर्डर हो गया। लगता है कमिश्नर साहब ने इस काम में लंबाई हाथ मारा है। मतलब साफ है भाई, तुम्हें अंदर कर दिया और बाहर तुम्हारे भाभी और भैया का मर्डर हो गया। लगता है कमिश्नर साहब ने इस काम में लंबाई हाथ मारा है।
संजू, संजू तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ हाँ दिमाग खराब हो गया मेरा। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है, इसने मेरे भैया और भाभी का खून किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। संजू क्या कर रहे यार? देखिए अच्छा नहीं यार, छोड़ो 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 मुझे। संजू ये सब झूठ है। झूठ है तो क्या ये भी झूठ है कि मेरी शादी की रात तुमने मुझे गिरफ्तार किया? तो क्या ये भी झूठ है कि पुलिस के रजिस्टर में मेरे खिलाफ कोई केस नहीं था? क्या ये भी झूठ है कि तुमने मुझे गिरफ्तार इसलिए किया ताकि तुम मेरे भाई और भाभी की मौत का तमाचा देखो? हाँ हाँ ये झूठ है। तो सच क्या है? सच क्या है बोलो। सच ये है कि तू पागल हो गया है। तू क्या समझता है मैंने राज का खून किया है, अपने दोस्त का खून किया है? हाँ हाँ तुमने किया है। सच जानना चाहता है ना? सच ये है कि विजय से बताना ही मत, मुझ में और उसे बहुत फर्क है, और अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं क्या कर डालेगा। तुझे मेरी कसम। एक बात याद रखना कमिश्नर कपूर, कि आज मैं इस शमशान में खड़े होकर अपने भैया और भाभी की कसम खा के कहता हूं कि जब तक मैं उनके कातिलों की चिताओं को आग नहीं लगा देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसमें से एक चिता तुम्हारी क्यों ना हो। अपने भैया और भाभी के कातिलों का पता चाहते हो तो आज रात 11 बजे बैलेट पेयर पे तुम मेरा इंतजार करना। चंदन की लकड़ियां तो तुमने मुझे लाने के लिए कहा था और चिता अपने भैया और भाभी के जलाकर आए हो, ये सारा कसूर तुम्हारा है संजू, क्योंकि उस रोज तुमने केदारनाथ की आंखों में झांककर चंदन की लकड़ियों की बात की थी और यहां हमने तुम्हारे वंश का पेड़ ही जला दिया। इस जगह को जरा गौर से देखो संजू, यही कहीं तुम्हारे भाई और भाभी ने तड़प तड़प कर जान दी थी और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाला और कोई नहीं, यही सेठ केदारनाथ है। तुम तो अभी तक अपनी जैनी के साथ सुहाग रात नहीं मना सके, लेकिन मैंने वो रात तुम्हारी भाभी के साथ गुजारी थी। और ये रहा उसका सबूत, ये वही साड़ी है जिसका आंचल फैलाकर तुम्हारी भाभी मेरे पास आई थी तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगने। इसे तो मैं संभाल के रखूंगी और किसी खास मौके पर पहनूंगी। ये
ये गलती दोबारा ना करना। अगर तूने एक हाथ मेरी तरफ उठाया तो वहां कई हाथ तेरी बीवी की इज्जत के ऊपर उठ जाएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तेरी बीवी इस वक्त हमारे कब्जे में है। इस जगह को गौर से देख ले केदारनाथ, और उस जगह पर निशान लगा ले जहां मेरे भैया और भाभी ने दम तोड़ा था, क्योंकि मैं भी तुझे उसी जगह पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और अगर तुझे यकीन नहीं आता तो इस गाड़ी को देखकर अपनी मौत का अंदाजा लगा लेना। चली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हेलो। तू अपनी बाजी खेल चुका है केदारनाथ, अब बाजी मेरी है। ना मैं तेरी तरह किसी को सुपारी दूंगा, ना ही सबूत मिटाऊंगा, बल्कि जिस दिन मैं तुम लोगों के नाम के मटके फोड़ूंगा ना, उस दिन इस शहर का बच्चा बच्चा बोलेगा, टपका रे टपका, एक और टपका। ये ले। आज से हम सब तेरे साथ हैं। तेरे साथ हमने भाभी के हाथ की बनाई हुई रोटियां और भैया के डांट खाई हुई हैं, और जब रिश्ते की बात आई तो हम सोतेरे हो गए। अभी नहीं, मुझे इंतजार है उस रात का जब सारी दुनिया उस रात का स्वागत करने के लिए बेचैन रहती है। उस रात मैं सेठ केदारनाथ को एक ऐसा तोहफा दूंगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जब जब वो रात आएगी, सेठ केदारनाथ अपने घर की दीवारों से अपना सर पटक पटक कर रोशनियों से भागेगा, और वो रात होगी न्यू ईयर की रात।
पीटर, यहां तो कोई इंतजाम ही नहीं है। ये न्यू ईयर की शाम है या यहां किसी का मातम हो रहा है? अरे मैंने तो सोचा था कि यहां पार्टी चल रही होगी, हंगामा होगा, मेहमान होंगे, बैंड बाजा बज रहा होगा। भैया और भाभी का ये ख्वाब नहीं था संजू, ये तेरी मंजिल नहीं। काश इन लोगों ने मेरी बर्बादी का ये रास्ता नहीं चुना होता। टपकारे टपका एक पहला टपका, चार में से एक गया, चार में से एक गया, तीन का ये मटका। टपकारे टपका एक पहला टपका, चार में से एक गया, तीन का ये मटका। सुबह का अखबार पढ़ना, उसमें खबर ये मेरे यार पढ़ना। कल तो सुबह का अखबार पढ़ना, उसमें खबर ये मेरे यार पढ़ना। भूला मुसाफिर रस्ते से भटका, चार में से एक गया, चार में से एक गया, तीन का ये मटका। टपकारे टपका एक पहला टपका, चार में से एक गया, तीन का ये मटका। टपकारे टपका एक पहला टपका, चार में से एक गया, तीन का ये मटका। टपकारे टपका एक पहला टपका, चार में से एक गया, तीन का ये मटका। किस तरह तुम्हारे बेटे की जिंदगी रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल गई। तुमने तो मुझे अनाथ बनाया था ना, लेकिन मैंने तुम्हें लावारिस बना दिया। लावारिस जानते हो, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले कौन डूबता है? एक चूहा। और उसके बाद डूबता है जहाज का कप्तान। उस जहाज के कप्तान तुम हो, तुम। और तुम्हारा बेटा उस जहाज का पहला चूहा। गुड लक एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरे बेटे की जगह संजू की लाश क्यों नहीं जली? मैंने उसकी आंखों में जीत की चमक देखी नानू। मेरी आंखों में झांक कर वो मेरे गम का मजाक उड़ा रहा था। भरे मजमे में मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे धमकी देकर चला गया वो।
केदारनाथ के कंधे पर हाथ रखा उसने। मेरे कंधे अपने मरे हुए बेटे की लाश का बोझ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसके जिंदा हाथों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। मुझे उसके हाथ चाहिए नानू, मुझे उसके हाथ चाहिए। हाथ तो क्या, आप बोलो तो मैं उसकी लाश लेकर आऊं। लाश नहीं, मुझे सिर्फ उसके हाथ चाहिए नानू। एक बार उसके कटे हुए हाथ मेरे सामने लाकर फेंक दो, मैं उन हाथों पर खड़ा होकर उसकी जीत का आसमान नोच लेना चाहता हूं। नानू जब किसी को मारता ना सेठ, तो भगवान का नाम भी नहीं लेता। हाथ तो काट कर दे दूंगा मैं आपको, लेकिन उसकी उस जबान का क्या करूंगा जो जिंदगी भर नानू भाई का नाम पोपट की तरह रटती रहेगी। केदार सेठ, ये छोटा सा काम मैं करूंगा, मैं उसके हाथ ऐसे काटूंगा कि उसे खुद ही पता नहीं चलेगा। इत्तेफाक से महेश नाथ की मौत की छानबीन मेरे हिस्से में आई है। वैसे सारा शहर जानता कि यह मौत एक्सीडेंट के साथ हुई, लेकिन मैं मैं जानता हूं कि यह केस एक्सीडेंट का नहीं है, यह केस खून का है। दाद देता हूं तेरे दिमाग की, कितनी खूबसूरती से काम कर डाला और अपना गिरेबान में बचा लिया। अभी तो शुरुआत की है, महेश तो मेरा पहला शिकार था। मतलब दूसरा, फिर तीसरा, और अब चौथा शिकार भी बाकी है। इतनी बड़ी खबर सुनाई और तुमने मरने वालों का नाम तक नहीं पूछा। क्या नाम है? मेरा दूसरा शिकार है नानूबाई छाते वाला, तीसरा केदारनाथ, और चौथा खून भी होगा, और उसका सबूत मैं तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा इंस्पेक्टर दुबे। मेरे पास? हाँ, तुम्हारे पास। मगर तुम्हें अफसोस होगा कि तुम किसी को कुछ बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि लाश बोला नहीं करती। और एक बात सुन लो, अगर तुम्हें आवाज टेप करने का इतना ही शौक है तो माइक्रोफोन को ऐसी जगह मत रखो जहां किसी बच्चे की भी नजर पड़ जाए। कैसेट यहां है दुबे, ये मत भूलो दुबे कि पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग मैंने भी ली है। सुनो संजू, तुमने ये कहावत तो सुनी होगी कि सियाणा कौवा हमेशा गंदगी पे ही हकता है। तुमने अपने मुंह से एक पुलिस ऑफिसर के सामने पुलिस स्टेशन के अंदर अपने जुर्म का इकरार किया है, और जब एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर अदालत में ये सब कुछ कहेगा फिर किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल अदालत में सबसे पहले इस थप्पड़ का सबूत लेके आना मिस्टर पी के दुबे। भांड का सांड थप्पड़ मार गया। जानते हो इस जगह को क्या कहते हैं? ये पूछने के लिए मुझे यहां बुलाया है? नहीं, ये बताने के लिए कि तुम अपने भैया और भाभी के कातिलों को जो सजा दिलवाना चाहते थे वो तुम सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ही दे सकते थे। इस डिपार्टमेंट को ठुकराकर तुमने सबसे बड़ी गलती की है। ये बात सच है कि मैं पुलिस अफसर बनकर उन कातिलों को गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन उन्हें सजा नहीं दे पाता क्योंकि सजा देने का हक सिर्फ कानून को है। लेकिन जिस रास्ते पर तुम चलने की कोशिश कर रहे हो उसका अंजाम जानते हो क्या होगा? ये मरना तो तुम्हें भी है कमिश्नर, और मुझे भी, लेकिन अगर इस लड़ाई में मैं लड़ते लड़ते मर भी गया तो मेरे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी और मेरी भाभी को मुझ पर गर्व होगा। लेकिन अगर तुम उन कातिलों को बचाने में कामयाब हो गए तो भैया को अपनी दोस्ती पर शर्मिंदगी होगी और लोगों को दोस्ती पर से एतबार उठ जाएगा कमिश्नर।
लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होगा मिस्टर विजय कपूर, क्योंकि जीत मेरी ही होगी। हेलो, 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 जेनी। मुझे यहां बुलाने का मकसद समझा दीजिए। जानती हो महेश नाथ की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल है या कानून की गिरगिट का कोई नया रंग? तुमने भी अपने पति की तरह अपनी आंखों पर अंधेरे का चश्मा चढ़ा रखा है। कल संजू पुलिस स्टेशन में आकर सबके सामने इंस्पेक्टर दुबे को मौत की धमकी देकर गया है। कहीं इत्तफाक से वो इंस्पेक्टर अपनी मौत मर गया तो सारा इल्जाम संजू पर आ जाएगा। अपने पति की जिंदगी चाहती हो तो उसके रास्ते की दीवार बन जाओ, वरना सारी जिंदगी अपने सिंदूर के लिए पछताती रह जाओगी। जा हर जाई, नहीं तो टूट जाऊं
जहर मुझ पर उतार लो, लेकिन किसी की जान लेने से भैया और भाभी वापस नहीं लौट आएंगे। संजू, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तबाही और बर्बादी के इस रास्ते पर मत चलो, वापस लौट आओ। ये क्या पागलपन है? अगर कोई तुम्हारी इज्जत लूटे तो? तुम होश में तो हो? मेरे सवाल का जवाब दो जेनी। अगर कोई तुम्हारा बलात्कार करे तो तुम क्या करोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगी। अगर ना ले सकी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसीलिए भाभी ने अपनी जान दे दी, और अब जान लेने का काम मैं करूंगा। मैं जानता हूं जेनी कि ये खून करने से मैं समाज और कानून की नजरों में मुजरिम बन जाऊंगा, और मुझे कानून की ताकत का पूरा अंदाजा है। लेकिन उससे पहले मैं अपना वचन निभाऊंगा और फिर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। Hi. How are you? Oh God. ये साला ऊपर से आ गया।
ठीक है, आसमान से गिरे खजूर बैठ गए। शेर है लेकिन तुझे दुम लगाने की देर है। जिसकी अकल पर पर्दा पड़ गया हो ना, उसके समझने का हेर फेर है, समझे ना ननु। बहुत सेक्सी कैबरे किया तूने, अच्छा हुआ ना पुलिस का नौकरी छोड़ के बैंड बजाने का धंधा शुरू किया, अच्छा हुआ। जब संजू किसी की बैंड बजाता है ना ननु, तो वो शख्स दोबारा किसी की तारीफ करने के लिए जिंदा नहीं रहता। मैं तुम्हें दुबे की तेरहवीं पर बुलाने नहीं आया, बल्कि यह पूछने आया हूं कि तुम्हारी चिता पर घी कौन सा डालूं, असली या वनस्पति। लगता है तुझे तड़का लगाने का बहुत शौक है मैडम। ये बैंड वालों की पीठ पे चढ़ के तो कुएं की दीवार तक तो आ गया है,
लेकिन मुंडी बाहर मत निकालना, क्योंकि बाहर एक मेढक नहीं वो मगरमच्छ बैठा है जो मुंह से कम और दुम से ज्यादा मारता है। इतनी टिटिर टिटिर करने के बाद भी तू जिंदा है, इसकी तीन वजह है, या तो नानू भाई छाते वाले का पेट भरा हुआ है, या फिर मैंने तुझे मरने का वक्त और जगह नहीं बताई है, या फिर तेरी तकदीर अच्छी है कि आज मैं छाता लाना भूल गया हूं। ये शौक भी पूरा करने का मौका मैं तुझे दूंगा नानू, वक्त और जगह तू मुझे बताना और छाते की याद मैं तुझे दिलाऊंगा। ये देखो साले कसीनो में ऐसे फैल के बैठे हैं जैसे कसीनो उनके बाप का है और नानू उनके बाप का नौकर है। साले एयर कंडीशन में बैठे हैं, बाहर धंधे पे जाते हुए गर्मी लगती है क्या? और पुत्री का साला नानू पे पूरी गर्मी उतार के गया। क्या बोला था वो कि छाता लाना याद दिलाएगा, क्या बोला था रे वो? ये तो याद नहीं भाई। अबे भाई के साले वो गाना क्या गा रहा था, क्या गा रहा था गाना? टपकारे टप। चुप। साले तानसेन की औलाद को गाने का सुर तक याद है? गाली क्या दी थी याद नहीं है साले कितने? अरे नसीब बच्चा था साले का कि नानू ने अंटा नहीं लगाया था। अंटा जानता है क्या? सूटा सूटा। अंटा का दो सूटा लगाया होता ना तो उसके मरने का घंटा मैं आज ही फिक्स कर देता। वक्त और जगह मुझसे पूछ रहा था, नानू से पूछ रहा था। तुम सब कुछ जानती हो जेनी, महेश नाथ की मौत एक हादसा हो सकती है, लेकिन दुबे की मौत एक हादसा नहीं, सारा शहर उसके खून का गवाह है। और आपने जो खून किया है उसका कोई गवाह नहीं है? मैंने? आपने केदारनाथ के साथ मिलकर हमारे विश्वास का खून कर दिया, उसका भी कोई गवाह नहीं। संजू को बिना किसी जुर्म गिरफ्तार कर लिया, उसका भी कोई गवाह नहीं। बड़ा भाई बचाने निकला तो दोस्ती के पीठ में छुरा घोंप दिया, उसका भी कोई गवाह नहीं। मां समान भाभी अपना आंचल फैलाकर उनकी जिंदगी की भीख मांगने निकली तो उनका बलात्कार कर दिया, जेनी उसका भी कोई गवाह नहीं। यही सोचा था ना आपने? इस जमीन पर ना सही, ऊपर एक गवाह है जिसके घर में देर है अंधेर नहीं। उसकी लाठी की आवाज नहीं होती पर चोट बहुत गहरी पड़ती है, और जब वो इंसाफ करेगा ना कमिश्नर साहब तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती। ये तुम्हारी अंधी सोच की एक मनगढ़ंत कहानी है। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, केदारनाथ का अपना बयान है। ये बयान भैया और भाभी की चिता को आग देने का तोहफा था केदारनाथ की तरफ से। आप कैसा तोहफा देना चाहते हैं कमिश्नर साहब? मेरा सिंदूर मिटाने का तोहफा? जेनी आज तक अगर संजू जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से। अब तक वो कानून की गिरफ्त से बाहर है तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं उस रात संजू को गिरफ्तार ना करता तो आज तुम्हारी मांग में ये सिंदूर ना होता और ना ही तुम्हारे गले में मंगलसूत्र होता, क्योंकि उस रात केदार ने संजू की सुपारी नानू भाई को दी थी। संजू तो बच गया मगर अफसोस मैं अपने दोस्त को न बचा सका जो मेरी सच्चाई का गवाह था। संजू की नजरों में जलील हुआ, तुम्हारी नजरों में गिरा मगर खामोश रहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने राज को वचन दिया था, उसको कसम दी थी कि मैं ये बात संजू को न बताऊं वरना वो केदार को जिंदा न छोड़ता। बस यही मेरा कसूर है जीनी, मेरी खामोशी मेरा श्राप बन गई। तुम तो आज इस घर में बहू बनकर आई हो, आज तुम्हारा राज और भाभी से परिचय हुआ है, मेरा तो बचपन चला गया, कल चला गया। तुम्हारे आंसू पोंछने वाले हजारों होंगे लेकिन मेरे कांधों पर हमदर्दी का हाथ किसी ने नहीं रखा। मुझसे बदकिस्मत और कौन होगा जिसे जीते जी अपनों ने सलीब पर चढ़ा दिया। विजय भैया मैंने जीसस को क्रॉस पे चढ़े हुए तो देखा है, लेकिन पहली बार उनके दर्द का एहसास हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। राज मेरे दोस्त,
मुझे माफ कर देना, आज मैंने तेरी दी हुई कसम तोड़ दी। कमिश्नर साहब। सर। केलकर, तुम और यहां? सर अब नानू भाई छाते वाले की बारी है, संजू से नहीं छोड़ेगा। केलकर तुम? हाँ साहब मैं ही हूं। आज तक तुम सामने नहीं आए, छुप छुप के ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इस खाकी वर्दी को मैंने अक्सर बिकते हुए देखा है, लेकिन जब यकीन हो गया कि आप उनमें से नहीं हैं, तो मैं खुद सामने आ गया। और इंस्पेक्टर खान की एक अमानत भी आपको देनी थी सर। खान की अमानत? यस सर, ये फाइल, इसमें केदारनाथ के सारे जुर्मों का हिसाब किताब है। केलकर, काश इस पुलिस फोर्स का हर सिपाही तुम जैसा होता। मुझे फक्र है तुम पर, तुम्हारे जज्बे के लिए मैं तुम्हें जरूर इनाम दिलवाऊंगा। इस अमानत का फर्ज पूरा कर दीजिए साहब, मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा। केदारनाथ, अब तुम फंस गए। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। केदारनाथ और नानू भाई मुझे किसी हालत में भी चाहिए। नो एक्सक्यूज, दे हैव टू बी कॉट। ये केदार सेठ, ये क्या हो रहा है? वो कमिश्नर साला पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ, उसको समझा दो वरना सीधा कमिश्नर से हवालदार बना दूंगा। कमिश्नर ने अपनी सारी पुलिस फोर्स केदारनाथ और नानू के अड्डे पे लगा रखी है। अपने को किसी भी हालत में उन दोनों तक पहुंचने नहीं देगा। वो पुलिस कमिश्नर जब उनकी मदद कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कमिश्नर को टपका तो सकते हैं। अगर कोई भी कसम मेरे सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो जाए तो मैं उसे बारूद बनकर उड़ा दूंगा। जेनी, तुम्हारे सर पे खून सवार है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरा रास्ता मत रोको जेनी, हट जा। अगर विजय भैया और भाभी को कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम उन लोगों के लिए अपनी जान दे रही हो जिसकी वजह से भैया और भाभी की जान गई, उनकी खातिर जो तुम्हारे सुहाग को मिटाना चाहता है। बस संजू बस, इंतकाम की आग में अंधे हो गए हो तुम, सच्चाई देख नहीं पा रहे हो। क्या है सच्चाई? जान जाओगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तुम्हें सुहाग की सेज से उठाकर हवालात ना ले गए होते तो आज ना मेरी मांग में सिंदूर होता और ना गले में ये मंगलसूत्र। क्योंकि सेठ केदारनाथ नानू भाई को तुम्हारी जिंदगी की सुपारी दे चुका था। विजय भैया ने तुम्हें केदारनाथ और नानू से बचाकर एक नई जिंदगी दी है। आज जो तुम कानून की गिरफ्त से बाहर हो सिर्फ विजय भैया की मेहरबानी है। जिसे तुम मौत के घाट उतारना चाहते हो वही तुम्हें जिंदगी दे रहा है। अगर उनकी महानता का बदला यही है तो जाओ और जाकर छह की छह गोलियां उनके सीने में उतार दो। बस जेनी बस, ये मैंने क्या किया? एक भाई की चिता को आग लगा दिया और दूसरे भाई को जीते जी मार दिया। कमिश्नर साहब कहाँ हैं? कमिश्नर साहब तो घर पे हैं। क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? कर लीजिए। हेलो, कमिश्नर विजय कपूर, केदारनाथ बोल रहा हूं। अभी तक ऑफिस में बैठे हुए मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हो क्या? देखा कितनी चालाकी और होशियारी से हमने तुम्हारी ड्यूटी अपने इलाके में लगवा दी है। जहां से हमारा गणपति निकलने वाला है
ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कमिश्नर विजय कपूर, क्योंकि केदारनाथ वाकई ही शेर का शिकारी है और वो अपने शिकार को हमेशा आगाह करके ही मारता है। मचान हमने बांध ली है और हमारा वो शिकार तुम हो कमिश्नर विजय कपूर।
लगता है मर गया, चल देखते हैं, चल। और जगह तू दिखा रहा था नानू, अब मैं तुझे छाता देता हूं। नानू, मैं तुझे इस तलवार से नहीं, तेरी ही गुप्ती से मारूंगा। नानू बोल रहा हूँ। हाँ नानू, कहाँ से बोल रहे हो तुम? मैं वहीं से बोल रहा हूँ सेठ, जहाँ तुम्हारा शिकार आखिरी गुलाटी खाने की कोशिश कर रहा है। सोचा टपकाने से पहले पूछ लूँ गेम का दाम क्या है। जैसा तुम चाहोगे नानू, वैसा ही होगा।
लेकिन तुम संजू को वहां नहीं मारोगे, तुम संजू को उस जगह मारोगे जहां खड़े होकर उसने केदारनाथ को मारने की धमकी दी थी। तुम उसे मेरे सामने उस जगह मारोगे। फिर फोन पर मेरे साथ किसने बात की थी? ऑपरेशन का आज के बाद ना कोई वारिस है और ना ही मालिक होगा। इस जहाज के सारे चूहे कूद चुके हैं केदारनाथ, अब तेरी बारी है। मुझे माफ कर दे संजू बेटा, मुझे माफ कर दे। इस साड़ी को गौर से देख केदारनाथ, इसी का आंचल फैलाकर मेरी भाभी ने मेरी जिंदगी की भीख मांगी थी। मांगी थी या नहीं? कहां खड़ी थी वो? कहां खड़ी थी वो? यहां। कैसे भीख मांग रही थी वो? संजू की भाभी नहीं, एक माँ बनकर उम्मीद की खाली झोली लेकर आपके पास आई हूँ। एक मजबूर औरत अपना आंचल फैलाकर आपसे अपने बच्चों की खुशी की भीख मांग रही है। अब तो मुझसे अपनी जिंदगी की भीख बिल्कुल वैसा ही मांग केदारनाथ। मैं राम की भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे संजू। भाग केदार भाग,
बिल्कुल उसी तरह, उसी रास्ते से जहां से मेरी भाभी भागी थी। भाग वरना कुत्ते की मौत मारूंगा हरामजादे। रास्ता मत बदलना केदारनाथ। इन दरवाजों को गौर से देख केदारनाथ, कल तक ये तेरे इशारों से बंद होते थे और तेरे इशारों से खुलते थे, लेकिन आज ये मेरे इशारों से बंद हुए हैं और मेरे ही इशारों से खुलेंगे। मुझे माफ कर दो संजू बेटा, मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मेरी भाभी ने भी जिंदगी की भीख मांगी थी या नहीं? हाँ। फिर मैंने उसकी इस दे, तू यह नहीं मरेगा। मरने से पहले तू मुझे वो जगह बताएगा जहां मेरे भाभी और भैया ने दम तोड़ा था। बता। केदारनाथ, वो जगह कौन सी थी? बोल! तेरी खुशी में नाच रहे हैं या तेरी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं? मौत का ये नाच कब खत्म होगा संजू? क्या तू अपने जमीर को कुचल कर नाच सकेगा?
दोस्त को मैंने दुश्मन जाना, हाय करूं क्या, मैं था दीवाना, मैं था दीवाना। दोस्त को मैंने दुश्मन जाना, हाय करूं क्या, मैं था दीवाना, ओ, 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 सीने से लग कर जरा, सीने से लग कर जरा, गीत मेरे यार का सुना, tin 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 tin